फोटोग्राफी इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि हम किस तरह से एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफ को रिटचअप कर सकते हैं। पिछले चार वीडियोस में हमने ट्रैवल एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये जाना कि हम किस तरह से एक बेसिक फोटोग्राफ को और एक मल्टीपल एक्सपोजर फोटोग्राफ को रिटचअप कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ट्रैक से साइड में आ रहे हैं और पोर्ट्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली वाइल्ड लाइफ एंड ट्रैवल फोटोग्राफर्स को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना पसंद नहीं होता है, ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है। मुझे खुद को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बट कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि हमें पोर्ट्रेट्स भी कैप्चर करने पड़ते हैं एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का पोस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रैवल एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी का पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो ये पता होना जरूरी है कि हम किस तरह से एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफ को, बेसिक पोर्ट्रेट फोटोग्राफ को रिटचअप कर सकते हैं। कई बार हमें खुद के ही पोर्ट्रेट्स को रिटचअप करना होता है और फिर हम उसे बेसिक लाइट करेक्ट करके उसे छोड़ देते हैं, बट हम किस तरह से स्किन स्मूथ कर सकते हैं या फिर उस पर लगे हुए पैचेस को क्लीन कर सकते हैं या फिर कलर करेक्शंस करके या फिर कलर ग्रेड करके हम किस तरह से फोटोग्राफ को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिसके फोटोग्राफ को रिटचअप करने वाले, यह है कुणाल और ये एक्चुअली डीजे है एंड इसने डीजे के एक शो के लिए, कवर के लिए ये फोटोग्राफ कैप्चर किया था। उसने फोटोग्राफ एक्चुअली कैप्चर कर लिया था और उसे पोस्ट प्रोसेस नहीं किया था, तो उसने पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए फोटोग्राफ यहाँ हमारे पास स्टूडियो में लाया था। तो इसी फोटोग्राफ पे हम काम करने वाले और साथ ही साथ ये हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड वर्क्स भी करता है, चीप लेवल जो हार्डवेयर का मदरबोर्ड का रिपेयरिंग होता है वो भी करता है। अगर आपको नागपुर सर्कल में कहीं पे भी या किसी को भी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग एंड मदरबोर्ड से रिलेटेड इश्यूज आते हैं या फिर किसी को नया पीसी या सेकंड हैंड पीसी चाहिए तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखी हुई है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अब इस फोटोग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये फोटोग्राफ एक्चुअली मैंने रिटचअप करके रखा हुआ है और ये इसका फाइनल आउटपुट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा काम मैंने नहीं किया हुआ है और मैंने ना ही यहाँ पे थोड़ा, कई बार ऐसा होता है कि हमें फ्रिक्वेंसी सेपरेशन करने के बाद पैचेस को इवन करने के लिए उसे थोड़ा सा पेंट करना होता है, वो सेक्शन मैंने यहाँ से स्किप कर दिया और ये हमारा पहला वीडियो है। मैं नहीं चाहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स में आज ही चले जाए, धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इन सभी चीज़ों के बारे में या फिर इन सभी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज हम जानेंगे कि बेसिक किस तरह से करता है। तो उसके लिए मैं पहले तो इस फर्स्ट लेयर पे आ जाता हूँ। तो ये इसका ओरिजिनल फोटोग्राफ था जिसे हमें रिटचअप करना है और इसे रिटचअप करके हम कुछ यहाँ तक आए हुए हैं। तो मैं पहले तो यहाँ सेकंड टैब में आ जाता हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये फोटोग्राफ मैंने कैप्चर नहीं किया था। मैं जब भी फोटोग्राफ को कैप्चर करता हूँ तो मैं ध्यान रखता हूँ कि फोटोग्राफ रॉ फॉर्मेट में ही कैप्चर हो ताकि हमें एडिटिंग में और ज़्यादा कलर स्पेस मिले। ये फोटोग्राफ जब मेरे पास आया तो वो जेपेग में था, तो मैं ऐसा ही जेपेग से इसे कैमरा रॉ में इंपोर्ट करूंगा एंड देन कैमरा रॉ में हम इसमें चेंजेस करके इसे वापस एक बार फोटोशॉप में इंपोर्ट करेंगे एंड देन उसमें फर्दर पोस्ट प्रोसेसिंग करेंगे। तो इसे कैमरा, अब इस फोटोग्राफ को हम देखते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी रिटचअप किया हुआ है और मैंने नेक्स्ट टैब में इसे यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। मुझे इसे कैमरा रॉ में ओपन करना है बट उसके पहले मैं इस लेयर को अनलॉक कर देता हूँ और इसे नेम कर देते RAW 01 एंड इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl J एंड इसे भी हम रीनेम कर लेते कैमरा रॉ। एंड अब मुझे इसे ओपन करना है, बट मैं ध्यान रखूंगा कि जब मैं इसे कैमरा रॉ फिल्टर में ओपन कर रहा हूँ तो मैं इसे एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन करूँ। तो इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन करने के लिए मैं इसे इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड देन यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ ताकि जब हम इसे ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टली इस लेयर पर अप्लाई नहीं होगा बट वहाँ पर हमें नीचे फिल्टर्स सेपरेटली अप्लाइड मिलेंगे लेयर पर। तो मैं इसे Ctrl Shift A प्रेस कर रहा हूँ कैमरा रॉ टूल में यहाँ से जाने के लिए, या फिर अगर हम फिल्टर्स में आ जाते तो फिल्टर्स में भी हमारे पास यहाँ पर कैमरा रॉ फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है Ctrl Shift A। हमारा फोटोग्राफ यहाँ पर कैमरा रॉ टूल में ओपन हो चुका है एंड अगर इसे देखते तो इसे ISO 1000 and 50 mm पर कैप्चर किया हुआ है एंड 1.8 इसका अपर्चर रखा हुआ है। 50 mm लेंस का जो मिनिमम अपर्चर आता है वो 1.8 होता है एंड 1/328 सेकेंड्स पर इसका शटर स्पीड रखा हुआ है। तो
अब ये फोटोग्राफ सोनी के फुल फ्रेम कैमरा पे कैप्चर किया हुआ है, आई थिंक सोनी अल्फा सीरीज का कोई कैमरा था, और इसे थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कैप्चर किया हुआ है। जब भी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं और जब हमारे पास फुल फ्रेम एंड हाई डायनामिक कैमरा होता है, तो उसे थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कैप्चर करना ही बेहतर होता है। और यहाँ पे अगर देखते तो इसे करेक्टली कैप्चर किया है। ये हाई डायनामिक कैमरा रेंज सपोर्ट करता है कैमरा, उस वजह से मैं अगर इसका आईएसओ इंक्रीज भी कर दूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नॉइज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर 1.25 इसका आईएसओ इंक्रीज कर लेता हूँ अराउंड, तो हमें अब यहाँ पर प्रॉपर लाइट पता चल रहा है। अगर मैं इसे ऑफ करके आपको दिखाता हूँ तो पता चलेगा कि ये काफी डल था, और अब अगर देखते हैं तो ये हमें प्रॉपर लाइट पता चल रहा है। और यहाँ पे आके मैं टेम्परेचर में इसमें थोड़ा सा ब्लूइश टिंट ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये डार्क सेक्शन डार्क पार्ट में डार्क टोन में कैप्चर किया हुआ फोटोग्राफ है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें ग्रीन एंड वार्म्थ वाले टोन ज्यादा हो, मैं चाहूंगा कि इसमें कूल ज्यादा दिखे। तो मैं यहाँ पर अराउंड -3 वैल्यू ले लेता हूँ टेम्परेचर में, एंड मैजेंटा को इंक्रीज कर लेते हैं 2। तो यहाँ पर हमने इसका व्हाइट बैलेंस सेट कर लिया, एंड व्हाइट बैलेंस सेट करने के बाद मैं यहाँ पर हाइलाइट्स में आ रहा हूँ। अगर मैं थोड़े से हाइलाइट्स को इंक्रीज करता हूँ, नहीं इसे 0 ही रखेंगे, एंड शेडोज पे आते हैं, एंड शेडोज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये जो सेक्शंस है, जैसे यहाँ पे इस साइड से लाइट दिया हुआ है तो ये जो पार्ट है यहाँ पर काफी ज्यादा शेडोज है, तो इन शेडोज को हमें रिकवर करना होगा। तो उन्हें रिकवर करने के लिए मैं अराउंड 40 यहाँ पर शेडोज यूज कर रहा हूँ, बट अगर हम बहुत ज्यादा शेडोज को इंक्रीज करेंगे तो ये जो पार्ट है इसके टी शर्ट का, ये पार्ट में भी हमें आर्टिफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना होगा ये जेपेग है, रॉ नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा इस किस लाइटर्स को खींचेंगे तो यहाँ पे हमें आर्टिफैक्ट्स भी मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप इसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा नहीं इंक्रीज करते। मैंने यहाँ पे 30 या फिर 20 में इसके शेडोज को पुल कर रहा हूँ, एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा 1.1 कर लेता हूँ इसका जो एक्सपोजर है, एंड देन मैं अगर शेडोज को पुल करता हूँ अराउंड 40 तो हो सकता है, बट बेटर कि 20 एंड 1.2 कर लेते हैं। एंड देन मैं ब्लैक्स में कोई भी चेंज नहीं करना चाहूंगा, इसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है, बट ये कॉन्ट्रास्ट हमारे कंप्लीट सब्जेक्ट पे नहीं रहेगा। मुझे सिर्फ इसकी आईज का ये जो सेक्शन है यहाँ पे और ये जो शाडोइंग पार्ट आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करना। तो इसके ब्लैक्स में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं इसके व्हाइट्स में भी कोई चेंज नहीं करूंगा, एंड यहाँ पे क्लैरिटी में आ जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा क्लियर फोटो के लिए जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा शार्प फोटोग्राफ के लिए जाते हैं, बट अगर आपको आपके फोटोग्राफ में वो ड्रीमी और थोड़ा सा ऐसा ब्लर जो इफेक्ट होता है वो लुक अगर चाहिए, तो आप क्लैरिटी को थोड़ा सा डाउन कर लो, अराउंड -2 या से लेकर -5 तक की वैल्यूज में अगर हम क्रिएट इसमें इसको क्लैरिटी में रखते हैं तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा और इसका क्लैरिटी डाउन हो जाएगा। एंड तो हम शार्प फोटोग्राफ से ही करेंगे, बट अगर यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा डाउन कर लेंगे तो इसका ये जो पैचेस है, और जब हम इसमें फ्रिक्वेंसी सेपरेशन करेंगे तो उस वक्त एक्चुअली हमें जो ब्लर करने के बाद आउटपुट आएगा वो काफी इवन आएगा। तो यहाँ पर क्लैरिटी स्लाइडर को मैं थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ, ये जेपेग है, मैं बहुत ज्यादा इसे नीचे नहीं करूंगा, मैं इसे -3 कर लेता हूँ। और जैसे ही हमने इसे -3 किया तो यहाँ पे थोड़ा सा इस यहाँ पे जो स्किन है वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। तो अब क्लैरिटी के बाद मैं थोड़ा सा डीहेज इसमें ऐड कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे हमें हेज लग रहा होगा, बट ये पोर्ट्रेट है और मैं पोर्ट्रेट में डीहेज बहुत ही कम ऐड करता हूँ। हाँ, अगर हमारा फोटोग्राफ आउटडोर कैप्चर किया हुआ है तो हम उसमें डीहेज ऐड कर सकते हैं, बट अगर हमारा फोटोग्राफ इंडोर हमने इसे फोटोग्राफ किया, स्टूडियो में अगर हमने इसे कैप्चर किया, तो मेक श्योर कि आप डीहेज बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे, 5 और 7 की वैल्यू उसमें इनफ हो जाएगी, और स्पेशली इफ यू आर वर्किंग ऑन जेपेक्स तो डीहेज का जो वैल्यू है उसे आपको कम ही यूज करना होगा, नहीं तो उसमें आर्टिफैक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अराउंड 5 डीहेज यूज कर रहा हूँ, एंड इसे वाइब्रेंट कर लेते हैं अराउंड 10। अब नीचे मुझे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये जेपेग है, जेपेग होने की वजह से ऑब्वियसली डिटेल्स के टैब में हमें कोई शार्पनिंग नहीं आएगा, एंड ऑप्टिक्स में भी मुझे मैनुअल डिस्टॉर्शन रिमूव नहीं करना है। 50 mm का डिस्टॉर्शन वैसे ही थोड़ा सा कम ही होता है, तो मैं और इसमें डिस्टॉर्शन नहीं चेंज करूंगा, और मुझे ये मैन्युअली करना है। अगर हम यहाँ से करते तो हमें ध्यान रखना होगा कि फेस बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट ना हो या फिर
एक्चुअली ये ऑप्टिकली वर्क करता है, और अगर हम इसमें चेंजेस कर देंगे और अगर हमारा वैल्यू सही नहीं रहेगा तो वो जो फेस का ओरिजिनलिटी है वो भी चेंज हो सकता है। तो बेटर है कि हम यहाँ से डिस्टॉर्शन को इस वक्त कोई भी चेंज ना करें। तो अब मुझे इस फोटोग्राफ को वापस एक बार ओपन करना है इन फोटोशॉप, तो मैं ओके कर देता हूँ एंड हमारा फोटोग्राफ यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पे हमने इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे ये एज अ स्मार्ट फिल्टर आया हुआ है। अगर मैं स्मार्ट फिल्टर को ऑफ कर देता हूँ तो ये हमारा ओरिजिनल था एंड ये हमने यहाँ पर चेंजेस किए हुए। तो इसे चेंजेस करने के बाद मैं इसे, मुझे इसमें और ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, अगर मुझे इसमें चेंजेस करने तो मैं इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ एंड ये वापस एक बार कैमरा रॉ टूल में ओपन हो जाएगा, और फिर से अगर हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो वो भी यहीं पर सेव हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ कोई और चेंज नहीं करना है, मैं इसे ओके कर लेता हूँ। ओके, अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं एंड इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं एंड इसे नेम कर लेते हैं कैमरा रो GRP फॉर ग्रुप। ओके, एंड अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड ई में प्रेस कर रहा हूँ ताकि इसका एक स्टैम्प मुझे मिल जाए। ओके, और यहाँ पे लेयर वन हमें मिल चुका है एंड इस लेयर वन को मैं वापस एक बार डुप्लीकेट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे। अब एक्चुअली मुझे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन करना है, फ्रिक्वेंसी सेपरेशन मतलब मुझे इसका जो स्कीन है उसे इवन करना है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे पैचेस हैं, तो और मोल्स एंड पैचेस हमें काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, मुझे ये सारे यहाँ से रिमूव करने हैं एंड इसकी स्किन को इवन करना है। तो अगर हमें इसके स्किन को इवन करना है तो हमें उसके लिए उस पर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन अप्लाई करना होगा। फ्रिक्वेंसी सेपरेशन अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहली जो लेयर है उस लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन हम यहाँ पर फिल्टर्स में आ जाते हैं। फिल्टर्स में आके अगर मैं ब्लर में आता हूँ तो यहाँ पे गॉसियन ब्लर है, गॉसियन ब्लर में आके मेक श्योर कि ये आपको प्रॉपरली ब्लर दिख रहा है। यहाँ का जो स्किन टोन है वो मुझे स्मूथ चाहिए, तो उसके लिए अराउंड में 15 यहाँ पे इसका रेडियस यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर हम देखते तो ये अब ये स्किन टोन यहाँ पे स्मूथ हो चुका है, मैं इसे ओके कर लेता हूँ एंड ये हमारा फर्स्ट लेयर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं सेकेंड लेयर में आता हूँ तो इस लेयर को मुझे इमेजेस में आना है एंड इमेजेस में आके अगर मैं अप्लाई इमेज में आता हूँ एंड अप्लाई इमेज में आके यहाँ से हमें सबसे पहले तो इसका लेयर सिलेक्ट करना है कि किस लेयर पे इसके साथ ये अटैच रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेयर वन है इसके साथ मुझे इसे अटैच करना है, तो उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई से मुझे इसे सब्सट्रैक्ट करना है एंड सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वैल्यूज है वहाँ पे स्केल में 2 आपको यूज़ करना है एंड ऑफसेट में 128। तो अगर मैं इसे रखता हूँ एंड इसे अगर हम ओके कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें एक इमेज मिल रहा है जिसमें थोड़ा सा शार्पनेस हमें दिख रहा है। अब अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ एंड ब्लेंडिंग मोड्स में आ जाता हूँ और यहाँ से अगर हम लीनियर लाइट चूज करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें जो हमारा लेयर है, जो शुरुआत में हमारा लेयर था, वो वैसे ही मिल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड एक ग्रुप कर लेता हूँ, इसे नेम कर लेते हैं हम फ्रिक्वेंसी सेपरेशन FS, और ध्यान ये रखना होगा कि जब हम इन इमेजेस को सेट करते हैं या फिर फ्रिक्वेंसी सेपरेशन के फोल्डर को सेट करते हैं तो हमारे ओरिजिनल इमेज एंड हमारा जो फ्रिक्वेंसी सेपरेशन का सेट किया हुआ इमेज है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। हम इस पर अब मैन्युअली, ये जो हमारा लेयर है इस पर हम मैन्युअली पेंट करेंगे एंड मैन्युअली मुझे यहाँ से एक्चुअली स्टैम्प करना है ये जो सेक्शन है। यहाँ पे जितने भी मोल्स हैं, जितने भी छोटे छोटे चेंजेस है, वो सारे छोटे चेंजेस हम इस ग्रे लेयर पर करेंगे और जो कुछ भी स्किन स्मूथनिंग है वो हम इस ब्लर वाले लेयर पर करेंगे। तो बहुत लोग इसे उसी तरह से नाम देते हैं, ग्रे एंड ब्लर या फिर लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसी। मैं यहाँ पर रीनेम नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो मेरा लेयर है इस लेयर पर ये जो मोल्स वगैरह इन्हें रिमूव कर लेता हूँ। तो इन्हें रिमूव करने के लिए हम स्टैम्प टूल में आएंगे। अब स्टैम्प टूल अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली हमें इसे यूज करने के लिए एक सैंपल यूज करना सिलेक्ट करना होगा, और उसका सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं ऑल्ट प्रेस करके। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ एंड अगर यहाँ के किसी भी एक एरिया को, यहाँ हमें दिख रहा है कि एक टारगेट मार्क आ रहा है, और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर क्लिक करता हूँ
तो ये सेक्शन हमारा यहाँ का सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इस मोल के ऊपर पेंट करूंगा तो वो जो मोल है वो वहां से रिमूव हो चुका है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पे वो मोल नहीं है, बट वो इतना बड़ा था कि वो इस लेयर पर भी है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो मुझे ब्लर में भी दिखे। कई सारे चेंजेस ऐसे होते हैं कि हमें दोनों लेयर पर करने होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि अगर हमने एक लेयर पर कर लिया तो भी हो जाता है। तो यहां से मैंने वो एक मोल निकाल लिया, देन मैं सेकेंड इस पे आ रहा हूं, एंड इसी तरह से यहाँ पे जो स्किन है वो कंप्लीट स्किन से मैं पैचेस को रिमूव कर लेता हूं। ओके तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड स्किन से जितने भी ये पैचेस है वो सारे रिमूव कर लेता हूँ। मेक श्योर कि आपने यहाँ से स्टैम्प टूल लिया हुआ है, एंड उसका शॉर्टकट एक्चुअली एस है, एंड ये क्लोन स्टैम्प टूल है, और उसे यूज करने के लिए मैं अल्ट प्रेस करना है, अल्ट प्रेस करके सैंपल लेना है, एंड उसके बाद हम क्लिक कर रहे हैं हमारे उस स्पॉट पे जो हमें रिमूव करना है। तो यहां से मैं इसे स्टॉप कर रहा हूं, एंड मैं आपसे मिलता हूं ये कंप्लीट इमेज में से ये सारे रिमूव होने के बाद। तो यहां से हमने ये जो स्मॉल चेंजेस है वो यहां पर कर लिए, और अगर हम इस लेयर को कंपेयर करते हैं तो ये हमारा प्रीवियस लेयर था, एंड ये हमारा चेंजेस किया हुआ लेयर है। तो अगर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो स्मॉल डिटेल्स है ये हमने रिमूव कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फेस है, इस फेस है, इसे भी थोड़ा सा स्मूथ कर लिया जाए। तो मैं वापस एक बार ब्लर लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ब्लर लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से लासो टूल में आ रहा हूँ, एंड लासो टूल सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर कि आपका फ्रिक्वेंसी फेदर जो है वो थोड़ा सा हाई है। अगर मैं क्विक मास्क दिखाता हूँ आपको क्यू प्रेस करके, एक बार वापस मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड इसे ड्रॉ करने के बाद अगर हम क्यू प्रेस करते तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये इसका फेदर सेक्शन है। अगर हम ज़्यादा फेदर लेंगे तो जो स्मॉल पोर्शन है वो सारे स्मॉल पोर्शन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ से जो स्मॉल डिटेल्स है वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए मैंने यहाँ से 30 और 40 का जो फेदरिंग वैल्यू है वो इनफ हो जाता है, तो मैंने यहाँ से 30 यूज़ किया है। एंड फिल्टर्स में आते हैं, फिल्टर्स में आने के बाद हम यहाँ से ब्लर में आ जाते हैं, एंड ब्लर में आकर हम एक बार वापस गॉसियन ब्लर करते हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो गॉसियन ब्लर का वैल्यू अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, और कम यूज़ करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा बार यहाँ पे इसे यूज़ करना होगा, तो अराउंड 20 मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसे ओके करते हैं, एंड इसे ब्लर करने के बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, और अगर अब हम देखते हैं तो वो जो सेक्शन है वहाँ से थोड़ा सा जो लाइट है वो हमने इवन कर लिया है। अब उसके बाद मैं इस सेक्शन में आ रहा हूँ, एंड इस सेक्शन को सिलेक्ट करके इसे भी हम गॉसियन ब्लर अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते, एंड वैसे ही हम कंप्लीट फेस का जो सेक्शन है उसके जो स्मॉल पोर्शन है उन सारे स्मॉल पोर्शंस को सिलेक्ट करके उन्हें भी हम प्रॉपरली ब्लर कर लेते हैं। तो ये सेक्शन अब कंट्रोल डी, देन यहां से लेकर ये जो लिप्स का पार्ट है इस पार्ट को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड इसे भी हम फिल्टर में आके गॉसियन ब्लर करते हैं, कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट। उसके बाद मैं इस पार्ट पे आ रहा हूँ, एंड फिल्टर्स गॉसियन ब्लर कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट, देन ये पार्ट हमारा छूट गया था, सो फिल्टर गॉसियन ब्लर कंट्रोल डी, एंड यहाँ पे आ जाते हैं, फिल्टर
गॉसियन ब्लू अगेन कंट्रोल डी एंड देन इस नोज वाले सेक्शन में हम आ जाते हैं। तो मैं एक बार जूम कर रहा हूँ एंड जूम करके थोड़ा सा हम इस पार्ट को ध्यान से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी एज मेरा यहाँ पर सिलेक्ट हो। तो यहाँ से इसे फिल्टर्स में आते हैं एंड गॉसियन ब्लर, अब कंट्रोल डी करते हैं टू डी सिलेक्ट। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन के लेयर को चेक करेंगे तो ये हमारा पहले का इमेज था, जो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अनइवन स्किन और यहाँ पे पैचेस है, और जब मैंने इसमें फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कर लिया तो हमारा स्किन अब स्मूथ हो चुका है। बट ये जो सेक्शन है इसके नेक का, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा काम करना होगा। एंड फिल्टर्स, गॉसियन ब्लर एंड कंट्रोल। तो अब हमने यहाँ पर फेस क्लीन कर लिया है। फेस क्लीन करने के बाद मुझे इसमें थोड़ा सा डेप्थ ऐड करना है। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट यूज करना चाहूंगा। यहाँ पे हमारा फ्रिक्वेंसी सेपरेशन यूज हो चुका है, फाइनल हो चुका है। फ्रिक्वेंसी सेपरेशन होने के बाद मुझे इसमें और ज़्यादा एनहांसमेंट्स करनी है। फ्रिक्वेंसी सेपरेशन के लेयर में हम और थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अगर मैं मैन्युअली कुछ सैंपल्स ले लेता हूँ एक न्यू लेयर लेके कलर के, तो इसका जो लिप्स का वगैरह सेक्शन है उसे भी हम इवन कर सकते हैं, बट आज थोड़ा सा बेसिक में ही रहेंगे। तो यहाँ पे इस पर मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में आ रहा हूँ एंड देन यहाँ से ग्रेडियंट मैप को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ग्रेडियंट मैप सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसे ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज कर देता हूँ टू सॉफ्ट लाइट, और सॉफ्ट लाइट कर देंगे करने के बाद यहाँ से मैं ग्रेडियंट्स में आ रहा हूँ। एंड ग्रेडियंट्स में आके यहाँ नीचे आता हूँ मैं, और यहाँ नीचे हमारा कुछ ग्रेडियंट्स है। तो यहाँ से मैंने ये जो प्लैटिनम है इसे सिलेक्ट कर लिया। अब हाँ, आपके ग्रेडियंट एडिटर में आपको अगर ये सारे ग्रेडियंट्स नहीं दिख रहे हैं तो आपका फोटोशॉप जहाँ पर सेव है, जैसे प्रोग्राम फाइल्स होता है, प्रोग्राम फाइल्स में अडोब होगा, अडोब में फोटोशॉप का जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो वर्जन आपको वहाँ दिखेगा। एंड उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ग्रेडियंट करके, तो वो ग्रेडियंट के इनसाइड कुछ सैम्पल फाइल्स रहेगी, उस पर आपको डबल क्लिक करना होगा ताकि वो प्रीसेट इंस्टॉल हो जाए। तो अगर आपके इसमें ये फाइल्स नहीं दिख रही है तो आपको अडोब में जाना है और वहाँ से उसे डबल क्लिक करके इस प्रीसेट को इंस्टॉल करना है। अदरवाइज यहाँ दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं कि किस तरह से इन्हें इंस्टॉल करना है, तो आपको गूगल पर कंप्लीट प्रोसेस भी दिख जाएगा। सो यहाँ से हमने ये प्लैटिनम सेलेक्ट किया है, मैं इसे ओके कर रहा हूँ। एंड इसे ओके करने के बाद मुझे इसे 100% नहीं रखना है, राइट? काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप देखते हैं तो कॉन्ट्रास्ट हमें दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं इसे रिड्यूस करता हूँ, मैं इसे 0% कर दिया है। एंड 0% से धीरे धीरे हम इसे इंक्रीज करेंगे कि हमें इसमें कितना रखना है। तो मैं अराउंड 45% पे आकर यहाँ पे अब देखते तो मुझे ये थोड़ा सा सेटिस्फाइड लग रहा है। बस इसके बाद मुझे इसमें थोड़ा सा एक्चुअली और रेडिश कलर को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स में आ रहा हूँ वापस एक बार, और मैं कलर बैलेंस में आ जाता हूँ। कलर बैलेंस में आने के बाद यहाँ पे मिड टोन्स, हाईलाइट्स एंड शेडोज में आप चेंजेस कर सकते हो। एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैजेंटा ऐड करना है, तो मैं मैजेंटा में थोड़ा सा मैजेंटा मैंने ऐड कर लिया -1। यहाँ पे भी मैंने शेडोज में भी कर लिया एंड मैं हाईलाइट्स में आकर भी यहाँ पे -1 कर लेता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो ग्रीन इस इमेज में था उसे और रिमूव कर लिया है, और ये बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, बट अगर मैं जूम करके आपको डिफरेंस दिखाऊंगा तो ये जो इमेज है ये हमारा प्रीवियस है, और इसमें हल्का सा ये जो सेक्शन है इनमें मुझे ग्रीन्स दिख रहे हैं, बट अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ से ये ग्रीन्स हमने रिमूव कर लिए। देन मैं यहाँ से थोड़ा सा कर्व्स में आके इसमें और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड करना चाहूँगा, तो मैं एडजस्टमेंट लेयर्स में आ रहा हूँ वापस एक बार। एंड देन हम यहाँ से कर्व्स यूज़ करेंगे। कर्व्स में आके मैं यहाँ से एस कर्व कर रहा हूँ, मैंने एक शेडोज और एक हाइलाइट्स पर पॉइंट क्रिएट कर लिया, और मैं शेडोज को थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ एंड मैं हाइलाइट्स को और थोड़ा सा अप कर रहा हूँ ताकि ये जो सेक्शन है ये हमें और बेहतर दिखे। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमने
इसमें और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर लिया है। ओके, अब मुझे इसकी ये जो आय का सेक्शन है, पार्ट है, इस पर थोड़ा सा काम करना है। तो उसके लिए मैं वापस एक बार यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, एंड एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने के बाद कर्व्स क्रिएट कर लेते हैं, और मैं थोड़ा सा इसे ब्राइट कर रहा हूँ। एंड इसे ब्राइट करने के बाद ये जो यहाँ पर मास्क है, इस मास्क को मैं कंट्रोल आई प्रेस करके इन्वर्स कर लेता हूँ, एंड ब्रश टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ आके ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में मैं थोड़ा सा पेंट कर लेता हूँ ताकि ये जो आई का सेक्शन है ये और थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। सेम मैं यहाँ पे इसके लेफ्ट आई में के पास आ जाता हूँ, एंड देन ओके तो अब अगर देखते हैं तो हमने इन्हें थोड़ा सा एनहांस कर लिया, और उसी के साथ साथ मुझे ये जो आयरिस है, इस आयरिस में थोड़ा सा कैच लाइट भी इंक्रीज करना है। तो उसके लिए मैं वापस एक बार कर्व्स क्रिएट कर रहा हूँ, और उन कर्व्स को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, और उन्हें इंक्रीज करने के बाद मैं इसे इन्वर्स कर लेता हूँ इस मास्क को, एंड ब्रश को छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे ये हाईलाइट है तो हाईलाइट के अपोजिट हमें यहाँ इस साइड कैच लाइट मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके कुछ लाइंस इस तरह से ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ से मैं सेम यहाँ पे आकर भी कुछ हाइलाइट्स में लाइट पेंट कर लेते हैं। एंड मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, अराउंड 50%, एंड देन एक और लेयर में क्रिएट कर रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर का उसकी, एंड उसे भी थोड़ा सा हाई रखेंगे, एंड ब्रश टूल लेकर मैं यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल आई करते पहले इसे, एंड मुझे सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे इंक्रीज करना है, एंड ओके तो अब अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूं एंड इसे नेम दे देते आईज, और अब अगर देखते तो थोड़ा सा हमने यहां पर लाइट में डिफरेंस पता चल रहा है। तो मैं इस फोल्डर यहां पे ये जो हमने ऐड किया है कैच लाइट उसे भी मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर लेता हूं 50%, एंड इसे भी हमने 50% रखा है। तो हमने थोड़ी सी आईज के सेक्शन में एनहांसमेंट ऐड कर लिए। अब मुझे इसका एक स्टैम्प क्रिएट करना है ओवरऑल, और उसे हम वापस एक बार कैमरा रॉ टूल में इंपोर्ट करेंगे, एंड उसमें थोड़े से और चेंजेस करेंगे स्लाइटली, एंड देन अगेन हम वापस फोटोशॉप में आएंगे। तो स्टैम्प क्रिएट करने के लिए हमें अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड ई प्रेस करना होगा, तो हमें इन सभी लेयर्स का, विजिबल लेयर्स का एक स्टैम्प मिल जाएगा यहाँ पर, एंड मैं इसे रिनेम कर देता हूँ कैमरा रॉ फिल्टर, एंड इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्रिएट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करते हैं ताकि ये कैमरा रॉ टूल में ओपन हो जाए। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है, एंड मैं इसे थोड़ा सा 0.25% और एक्सपोजर इंक्रीज करना चाहूँगा, एंड इसके शेडोज को भी मैं थोड़ा सा 10% एनहांस करूँगा यहाँ पे, एंड इसमें थोड़ा सा वाइब्रेंस ऐड कर देते हैं 5% का। अब अगर हम इस इमेज को एक बार ऑन ऑफ करके देखें तो यहाँ से हमने थोड़ा सा इसमें लाइट ऐड कर लिया है, एंड इसे ओके करके वापस एक बार हम ओपन कर लेते हैं इन फोटोशॉप। ओके तो हमारा इमेज यहाँ पर ओपन हो चुका है।
अब अगर देखते हैं तो कंपैरेटिवली ये हमें काफ़ी बेहतर दिख रहा है, बट अभी ये इमेज फिनिश नहीं हुआ है, हमें इसे पॉलिश करना होगा। एक्चुअली कई सारे पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स जब हम देखते हैं तो उसमें एक पॉलिश्ड लुक दिखता है स्किन पर, जैसे हम किसी ने उस पर मेकअप का जो लेयर होता है उसके ऊपर पॉलिशिंग कर दिया हो, तो वो अगर इफेक्ट आपको यहाँ पर क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं पहले तो इसी इसी लेयर का एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसे मैं पहले रास्टराइज कर लेता हूँ। रास्टराइज करके मैं कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ टू डुप्लीकेट, एंड इसे नेम कर लेते हैं पॉलिश। अब इसे अगर मुझे पॉलिश करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इसे इन्वर्स करना होगा इस लेयर को, तो इन्वर्स करने के लिए मैंने कंट्रोल आई प्रेस कर दिया। कंट्रोल आई प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से ब्लेंडिंग मोड्स में आ रहा हूँ। ब्लेंडिंग मोड्स में आकर हम यहाँ से विविड लाइट सिलेक्ट करेंगे। विविड लाइट सिलेक्ट कर लिया, अब हमें जाना है फिल्टर्स में। फिल्टर्स में अगर मैं आता हूँ और यहाँ से आके अगर मैं हाई पास सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैं हाई पास सिलेक्ट करूंगा हमें यहाँ पर इमेज मिल रहा है। जितना कम वैल्यू आप हाई पास का रखोगे उतना ही ज़्यादा आपका इमेज यहाँ पर शार्प दिखेगा, और जितना ज़्यादा आप यहाँ पर हाई पास का वैल्यू रखोगे उतना ही वो ब्लर होते जाएगा। यहाँ पे उल्टा है, शार्पनिंग जब हम करते हैं तो हाई पास का वैल्यू हम यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा शार्प होगा, बट इस केस में जब हमने उसे इन्वर्स कर लिया है तो ये इफेक्ट भी इन्वर्स हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा यहाँ से ये वैल्यू रिड्यूस होते जाएगा। तो अराउंड 15 मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, एंड 15 यूज़ करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ। एंड देन अब मैं फिल्टर में आता हूँ, फिल्टर में आके ब्लर में आ रहा हूँ वापस उसी इमेज पे, और गॉजियन ब्लर अप्लाई करते हैं। अब जितना ज़्यादा आप यहाँ पे गॉजियन ब्लर अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा ये इमेज शार्प होते जाएगा। उल्टा चल रहा है सब, हमने इन्वर्स कर दिया था, हमारे इमेज को ध्यान रखना होगा, और इन्वर्स करना ज़रूरी भी है, अदरवाइज वो जो पॉलिशिंग वाला फील है वो नहीं आएगा। तो यहाँ से मुझे मिनिमम वैल्यू यूज़ करनी है, अराउंड 3 और 5 मैं इसे यूज़ करूंगा। ये जेपेक से हमने यहाँ पे लाया था तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस पर 3 वैल्यू यूज़ कर लिया। अब इसे मुझे यहाँ पे हमने लेयर तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे इसे मास्क करना है। तो मास्क करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मास्क क्रिएट कर लिया, इसे इन्वर्स कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल आई। एंड अब मुझे जिस सेक्शन को पॉलिश करना है वहाँ पे सिर्फ वाइट ब्रश से पेंट करना है। तो मैं यहाँ पे ब्रश में आ रहा हूँ, ब्रश का साइज इंक्रीज कर लेते हैं, एंड अब मैं यहाँ पर अगर पेंट करता हूँ तो पता चलेगा कि ये ओरिजिनल था और हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं। ब्रश के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ पे 2 पैचेस हमें दिख रहे हैं। हम मैं इसी इन्हीं पैचेस की बात कर रहा था जिन्हें हम फ्रिक्वेंसी सेपरेशन के वक्त इवन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, आज हम इसी पे फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने एक साइड कर लिया है, एंड सेकेंड साइड पे मैं आ रहा हूँ, एंड मैं एजेस से दूर इसे रख रहा हूँ। एंड अब अगर देखते हैं तो हमने इसके नोज़ के सेक्शन को भी मैं हम पेंट कर लेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा जूम करते हैं, एंड ये जो आई का पार्ट हमारा यहाँ पे छूट गया है इसे भी। आईब्रोज के नीचे यहाँ का सेक्शन भी मैं पॉलिश कर रहा हूँ, एंड सेम
सेम यहां पर। ओके अब यहां पे नेक के सेक्शन में आ जाते हैं और नेक से भी हम थोड़ा सा इसे स्मूथ कर लेंगे। ओके तो हमने यहां पर इस पे ये जो पॉलिशिंग वाला इफेक्ट ये डाल दिया, बट ये बहुत ज्यादा है, हमें इसे कम करना होगा। तो मैं यहां पे आकर लेयर पर इसका जो ओपेसिटी है उसे रिड्यूस कर देता हूं। अराउंड 50% में इसे यूज कर रहा हूं। एंड अगर हम कंपेयर करते तो ये हमारा प्रीवियस था और ये हमने इस पे पेंट कर लिया। मैं यहां पर मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा सेक्शन अंडू मिस हो गया है, तो मैं यहां पे वापस एक बार पेंट कर रहा हूं। एंड इस सेक्शन में भी मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा हमें इसे पेंट करना होगा। एक्चुअली ये अनइवन पैचेस है और इन अनइवन पैचेस को हमें रिमूव करना होता है जब हम किसी पोर्ट्रेट फोटोग्राफ पर रिटचअप करते हैं। या इसी फोटोग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे मोस्टली, एंड ये जो सारी अनइवन पैचेस है वो सभी हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो ये पहले कुछ इस तरह से दिख रहा था कुणाल, मैं इसका थोड़ा सा इसे 60% तक लेके जाता हूँ एंड हमने काफी चेंजेस इसमें कर लिए। अब मुझे इस इमेज को शार्प करना है, तो शार्प करने के लिए मैं एक स्टैम्प क्रिएट कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एंड ई का प्रेस करके। एंड उसके पहले मैं एक बार कलर इफेक्ट्स प्रो में इस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड कलर इफेक्ट्स प्रो में इंपोर्ट करने के बाद इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेंगे एंड देन मैं इस इमेज को शार्प कर लूंगा। अगर आपके पास कलर इफेक्ट्स प्रो है तो आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस इमेज को शार्प भी कर सकते हैं। थोड़े से इसके हाइलाइट्स को और बूस्ट कर लीजिए कैमरा रॉ टूल में जाकर एंड देन इसे शार्प कर लीजिए। बट अगर आपके पास नहीं है और आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप इसका ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं, और उसे डाउनलोड करने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसका जो डाउनलोड लिंक है वो भेज दूंगा। यहाँ पर फोटोग्राफ हमारा कलर इफेक्ट्स प्रो में ओपन हो चुका है और मैं जो सबसे पहला फिल्टर यहाँ पे यूज करूंगा, एज यूजुअल अगर आपने मेरे पहले के फोटो ट्यूटोरियल्स देखे तो मैंने हमेशा प्रो कॉन्ट्रास्ट यूज किया। सबसे पहले मैं यहाँ से प्रो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा हूँ और उसे थोड़ा सा अराउंड 10-15% इसमें ऐड कर रहा हूँ। एंड देन वापस एक बार मैं ब्रिलियंस एंड वार्म्थ में आ जाता हूँ और थोड़ा सा इसमें वार्म्थ ब्लूइश टिंट ऐड कर रहा हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से मैं डायनामिक स्किन सॉफ्टनर यूज़ कर रहा हूँ। अब बहुत ज़्यादा वैल्यूज इसकी यूज़ नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी स्किन को पॉलिश कर दिया है, तो मैं कलर रिच को 5 रख रहा हूँ, स्मॉल डिटेल्स 2, मीडियम डिटेल्स अराउंड 4 एंड लार्ज डिटेल्स को मैं 2 कर रहा हूँ। एंड उसके बाद ओवरऑल अगर आपको कलर रेंजेस में कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ से कॉन्ट्रास्ट कलर रेंज ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं उसके कॉन्ट्रास्ट को 0 कर देता हूँ, इसके स्लाइडर को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ब्राइटनेस के, तो ये 0 हो जाएगा। एंड देन यहाँ से अराउंड 5-7% हम इसे यूज कर रहे हैं एंड देन इसे ओके करके हम ओपन कर लेते हैं इन फोटोशॉप। ओके हमारा इमेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगर हम कंपेयर करते तो ये हमारा प्रीवियस इमेज था और ये हमारा अभी का इमेज, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट स्टिल यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। मैं इस इमेज को 100% यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं 50% इसे यूज कर रहा हूँ एंड इन दोनों लेयर्स को मैं मर्ज कर देता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल ई। अब मुझे इसे शार्प करना है तो उसके लिए हम इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे, इसे रीनेम कर देंगे हाई पास एंड फिल्टर्स में आते हैं। फिल्टर्स में आके यहाँ पे अदर्स में आते और यहाँ से हाई पास फिल्टर यूज करते हैं। यहाँ पे मुझे हार्डली 3 वैल्यू यूज करना है, 3-5, तो मैं यहाँ पे इस बार थोड़ा सा ज्यादा इसे रख रहा हूँ। बाद में मैं जब इसे अप्लाई कर दूंगा उसके बाद फिर हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। तो मैं यहाँ से नॉर्मल से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहा हूँ इन ओवरले, और जैसे ही हमने ओवरले किया तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लर्ड एरिया था वो भी कम्प्लीटली शार्प हो चुका है, बट इसका कम्प्लीट फेस शार्प हुआ है। मुझे ये जो पॉलिश्ड सेक्शन है वो वैसे ही रखने हैं, यहाँ पे मुझे किसी भी तरह का शार्पनेस नहीं चाहिए स्किन में। मैं चाहता हूँ कि इसका जो आईज का सेक्शन है, आईब्रोज है, लिप्स का पार्ट है और बियर्ड है,
इन सेक्शंस को सिर्फ शार्प कर लो। तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली यहाँ पे मास्क अप्लाई करना होगा, उस मास्क को इन्वर्स कर लेते हैं एंड देन ब्रश सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जिन सेक्शंस में हमें शार्पनेस चाहिए उन सेक्शंस में हम मैन्युअली पेंट कर लेते हैं। तो आईज का जो सेक्शन है उस सेक्शन में हमें यहाँ पे शार्पनेस चाहिए, देन लिप्स के पार्ट में मैं थोड़ा सा शार्पनेस ऐड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे अब ये 1.8 पे कैप्चर किया हुआ फोटोग्राफ है, उस वजह से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका आई का सेक्शन शार्प है बट यहाँ पे लिप्स के पोर्शन में आपको डेप्थ ऑफ फील्ड का इफेक्ट पता चल रहा है। तो ये ब्लर है और यहाँ पे शार्पनेस है, मैं इसका यहाँ पे एक मोल है उसे भी शार्प कर रहा हूँ और जो बियर्ड का सेक्शन है पार्ट है उसे भी मैं थोड़ा सा शार्प कर लेता हूँ एंड जो ऑब्वियसली स्पाइक्स है डीजे के उन्हें भी थोड़ा सा शार्प कर लेंगे। तो हमने सिलेक्टिव एरिया में यहाँ पे शार्पनेस ऐड कर लिया। तो अगर अब हम इस इमेज को अब कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा कि इस इमेज को हमने यहाँ से शुरू किया था एंड इस इमेज को हमने यहाँ पे आके फिनिश किया है। तो इसमें अभी भी देखा जाए तो काफ़ी काम है, हमें एक्चुअली फ्रिक्वेंसी सेपरेशन में और थोड़ा सा ये जो स्कीन है इसका टोन इवन करना होगा बट फर्स्ट वीडियो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर बस एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मुझे इसे इंस्टाग्राम के हिसाब से क्रॉप करना है। इंस्टाग्राम का जो क्रॉप साइज है वो एक्चुअली 4:5 है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से डायरेक्ट क्रॉप में से 4:5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो हमें यहाँ पे क्रॉप साइज मिल जाएगा और मुझे यहाँ पे बस अपना जो फोटोग्राफ है उसे प्रॉपरली लेस करना है। मैं चाहता हूँ कि ये जो अपर थर्ड्स है यहाँ पे आय का सेक्शन है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऐसा रख रहा हूँ ताकि जो डायरेक्ट व्यूअर्स का पॉइंट है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने इसे एंटर कर दिया एंड हमने इसे इंस्टाग्राम के हिसाब से अब क्रॉप कर लिया। फ्यूचर लेसन्स में हम और ज़्यादा एडवांस जाएंगे कि हम किस तरह से पोर्ट्रेट फोटोग्राफी एंड फ्रिक्वेंसी सेपरेशंस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई इंटरेस्टेड है जिसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है या फिर कोई रिसोर्ट या फिर जो होम स्टे होता है उन्हें अगर किसी तरह का लैंडस्केप या आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करके चाहिए या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से रिलेटेड फोटोग्राफी करवा के चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरा बिजनेस हमारा जो बिजनेस ईमेल आईडी है वो नीचे है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमें ईमेल कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल फोटोग्राफी इंडिया को।